नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। पहली खबर है गोल्ड को लेकर। गोल्ड में तेज गिरावट है और MCX पर सोने का भाव 47,400 के नीचे आ गया है। इस वक्त करीब करीब 450 रुपये की गिरावट है गोल्ड में। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गोल्ड का भाव $1,825 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो तेज गिरावट का माहौल गोल्ड और सिल्वर में दिख रहा है। और चांदी में 68,000 के नीचे भाव यहां पर पहुंच चुका है। 800 रुपये तक की गिरावट है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $27 के नीचे आ चुका है चांदी। और अब तो गोल्ड का भाव करीब करीब 1,000 रुपये टूट चुका है। 67,600 के भी नीचे आ गया है। इसके अलावा कच्चे तेल में तेज रफ्तार है। ब्रेंट का भाव $59 के करीब है। 1% की मजबूती है। WTI क्रूड $56 के ऊपर है। 1% तक दाम बढ़े हैं। बड़े उत्पादक देशों की कटौती जारी रहने का इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। इसके अलावा सरसों वायदा में उछाल है। 4% का ऊपरी सर्किट लग चुका है करेंट कॉन्ट्रैक्ट में। नई आवक घटने से कीमतों में तेज़ी आई है। इसके अलावा मसालों में अच्छी तेज़ी है। हल्दी का वायदा 6,650 के ऊपर है। 2.5% की मजबूती है। जीरा करीब 1% ऊपर है। 13,000 के ऊपर है। मिलों की ओर से मांग में मजबूती है। एक्सपोर्ट मांग बढ़ने के अनुमान से कीमतों में तेज़ी आई है। ये 5 खबरें हैं। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करते हैं 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। ये बताने के लिए हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड की ये गिरावट बढ़ सकती है, क्या करना चाहिए? जी हाँ, हमने देखा है कि पिछले 2 दिनों से एक प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी अच्छी गिरावट है और मुझे लगता है कि ये वीकनेस आज शाम के सेशन में और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकती है। इसके एक आध फैक्टर्स देखें तो हमने देखा था कि कल जो ADP एम्प्लॉयमेंट्स के जो डेटा आए थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे और बाकी सर्विसेज PMI मैनुफैक्चरिंग PMI के डेटा भी US की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव थे। आज भी जॉबलेस क्लेम्स के डेटा है और फ्राइडे को NFP के डेटा है, तो इन डेटाज पे मार्केट की फोकस रहेगी। ये डेटाज भी पॉजिटिव आने के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये डेटाज पॉजिटिव आते हैं तो सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और रिस्कर एसेट्स में ज़्यादा फंड्स फ्लो हो सकता है और गोल्ड जैसे सेफर एसेट्स में और ज़्यादा सेलिंग का बायस हम लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो भी इतने सारे डेटाज पॉजिटिव है तो US डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड के लिए और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है। तो आज शाम के सेशन में मुझे लगता है कि अगर करंट लेवल से हल्की भी रिकवरी आती है, अगर 47,500 के लेवल्स तक, तो वो एक बेटर लेवल्स रहेगा सेलिंग के लिए। 47,700 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 47,100 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू क्या है? सिल्वर में भी आपको लगता है कि आज बेचकर चलना ही बेहतर रहेगा? जी हाँ, मुझे लगता है कि सिल्वर भी गोल्ड के साथ इन टैंडम में चलेगा और सिल्वर में भी वीकनेस का ही मोमेंटम बना हुआ रहेगा। शाम के सेशन में हमने देखा रहता है कि यूफोरिक व्यू आया था 74,000 तक जाने के बाद, अब बहुत जोर से प्राइसेस में करेक्शन आया है और मुझे लगता है कि ये करेक्शंस और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है सिल्वर में। तो सिल्वर में भी वैसे तो काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो करंट लेवल्स पे सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, तो एनीवेयर अराउंड 67,850 से 68,000 के लेवल्स अगर आते हैं तो वो एक बेटर लेवल्स रहेगा सेलिंग के लिए। 68,500 का सिकली स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और 66,900 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं सिल्वर में। क्रूड में क्या किया जाए, क्योंकि क्रूड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या अभी भी अपसाइड पोटेंशियल मतलब तेजी की गुंजाइश बची हुई है? 4100 के आसपास है MCX पर कच्चा तेल, क्या 40-50 रुपए अपसाइड के लिए इस लेवल पर बाइंग करनी चाहिए क्या क्रूड में? जी हाँ, मुझे लगता है कि क्रूड में जो तेजी है वो काफी सस्टेंड है और बिल्कुल भी कोई रिवर्सल के साइंस अभी भी नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्रूड में भी ये तेजी आगे जाते हुए भी सस्टेंड रहेगी। और हमने देखा है कि OPEC प्लस की तरफ से जो सप्लाई कट्स सस्टेंड रहने की जो बातें हैं आगे आने वाले 1-2 महीने में, वो भी काफी ज्यादा सपोर्टिव है। कल की जो इन्वेंटरीज डेटा थे वो भी गिर कर आए थे, जिससे भी क्रूड के प्राइसेस को और ज्यादा सपोर्ट मिला है। तो मुझे लगता है कि क्रूड में ओवरऑल एक काफी ज्यादा सपोर्टिव मोमेंटम रहेगा और US स्टिमुलस की तरफ से भी काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटकम दिख रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स क्रूड के लिए सपोर्टिव रहेंगे। तो क्रूड में तेजी का रुख बना हुआ रहेगा। 4070 से 4080 के जोन में काफी अच्छा बाइंग लेवल रहेगा। 4160 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं और 4020 का स्टॉप लॉस लगाना होगा क्रूड के लिए। ठीक है, कॉपर पर आपका व्यू क्या होगा? क्या कॉपर में अभी ट्रेड लेना चाहिए, और अगर हाँ तो किस तरह का ट्रेड, खरीदें या बेचें, क्या करें कॉपर को?
जी बेस मेटल्स में हमने देखा है कि एक निचले स्तरों से काफी अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ही अगर इंट्राडे के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये तेजी और थोड़ी सस्टेन हो सकती है, बिकॉज रिसेंटली हमने देखा इकोनॉमिक डेटास काफी पॉजिटिव थे यूएस की तरफ से, थोड़ा रिस्क सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हल्की सी तेजी और रहेगी, बट अपसाइड काफी लिमिटेड रहेगा सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में। तो ओवरऑल कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि 597 का लेवल काफी अच्छा रहेगा बाइंग के लिए, 594 का स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, और बिल्कुल ही इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से 603 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, जिंक में आज के लिए बाय या सेल? जिंक में करंट मार्केट से खरीदारी करके चल सकते हैं, 207.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 211.50 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।